किया, आपने पैदावार की, इसका उचित मूल्य आपको नहीं मिल रहा। कपास हो, गेहूं हो, धान हो, कोई भी फसल, आलू हो, जब मंडी पे आप जाते हो आपकी लागत भी पूरी उस भाव में नहीं हो रही, निरंतर पतन हो रहा है, निरंतर गिरावट है। आप आकलन कर लीजिए, ये तो कहते हैं कि आय दुगनी करेंगे, अब 2022 का इनका लक्ष्य था, मात्र 3 महीने बचे हैं। यहाँ सब खेती करने वाले लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कोई एक भी आदमी ऐसा खड़ा होकर बता दे कि जिसकी आय दुगनी होने वाली हो, है कोई आदमी? अब आप 5 साल में पहचान के हो गए, वस्त्र कुछ और है, बोली कुछ और है, कथनी कुछ और है और करनी कुछ और है, महा झूठे हैं। एक एक्ट्रेस है कंगना रनौत, बच्चों को तो मालूम होगा कौन है, वो कहती है किसान नहीं है तो आतंकवादी है, ये भी आप याद रखना, उन्होंने कहा था आप आतंकवादी हो। अभी वो गई थी लखनऊ, बाबा जी ने बहुत सत्कार किया, साथ बैठाया, और फिर कंगना रनौत जी ने कहा कि एक तथक तपस्वी राजा भगवान पुरुषोत्तम राम थे और अब आप हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य थे राजा बता दिया। तपस्वी बाबा तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, जिनकी कल जयंती थी, अच्छे शासक, सर्वश्रेष्ठ। जैसा भी आपको बताता हूं, कुछ मीडिया तंत्र भी ऐसा है कि सफेद को काला और काला को सफेद बता देते हैं। मैं वह उस घर में मैंने खुद जाके देखा, भरपूर प्रयास करने पड़े, हर मोड़ पे सरकारी फोर्स तैनात थी रोकने के लिए, क्योंकि वे जानते थे कि वहां पहुंचा जाएगा तो सरकार की पोल खुल जाएगी। लेकिन मैं वहां एक 18 साल का लवप्रीत तो शहीद हो गया आपके लिए, मैं उसकी बहनों से मिल के आया हूं, उसके चाचा वहां मौजूद थे, घर के लोग, क्षेत्र के मौजूद लोग वहां मौजूद, गंभीर माहौल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पहली मंशा यह थी, मैं हेलीकॉप्टर से इसलिए आया अपने गांव में, कि मेरी इच्छा थी कि जो मुजफ्फरनगर के किसान पंचायत में मैं ऊपर से फूल की बौछार करना चाहता, योगी जी को बात भाई नहीं, उन्होंने अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं चाहता था कि अब जब भी मैं किसानों के बीच जाऊंगा, अगर हेलीकॉप्टर से जाऊंगा तो ऊपर से फूल बनाने का काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।